बाली में हमारा दूसरा दिन था और रात के बज रहे थे 2। हम जा रहे थे वोल्केनो हाइकिंग करने। रास्ता एकदम सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एंड तभी हमने ड्राइवर से पूछा, तो ये वोल्केनो जिस पे हम हाइकिंग करने जा रहे थे, हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि वो अभी रिसेंटली फटा है। अब ये सुनने के बाद वीवर लाइक, अबे पागल हो गया क्या, कहां पर लेकर आ गया हमें, वापस चल, हमने नहीं जाना भाई, जिंदा रहना है अभी। अब हम लोग तो भाई डर गए थे ये सुन के कि ये वोल्केनो पिछले महीने फट गया है। अब यार ऐसा ना हो ना कि हम ऊपर चढ़ जाए और हमारे साथ भी कुछ हादसा हो जाए। तो हमने अपने टूर गाइड से पूछा फिर, भाई साहब टेल मी प्लीज, व्हाट हैपेंस इफ वोल्केनो बर्स्ट, वी रोस्ट, जले नो जले, व्हाट हैपेंस इफ वोल्केनो बर्स्ट, नथिंग हैपन, नो स्मोक, नो लावा, नो लावा, ओके ओके, तो अपेरेंटली हम सेफ है। अपना टाइम आएगा, से यू विल बी फेमस, डिफिकल्ट से अपना टाइम आएगा। एंड इसके बाद अपने दिलों को थाम के रात के 3 बजे फाइनली हमने हाइकिंग शुरू करी। 3 बजे यानी भूतों का टाइम, और ये हम हाइकिंग पर निकल चुके हैं रात के 3 बजे। बहुत अंधेरा है, ऑल आई हैव इज दिस, ये एक टॉर्च है जो मुझे दी गई है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत अंधेरा है, सुनसान है ये रास्ता, अंधेरी है ये रात। ओह माय गॉड, वार्निंग, यूनेस्को रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नॉट अलाउड टू एंटर विदाउट ऑफिशियल गाइड। मिस्टर बटूर, हाँ मिस्टर बटूर, टेक मी मिस्टर बटूर, डोंट लीव मी बिहाइंड मिस्टर बटूर। ए भैया इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर प्लीज, वेयर आर वी गोइंग? टू द वोल्केनो, बतूर वोल्केनो, बट दिस सो अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता, नथिंग सी, जीरो विजिबिलिटी सर, सारा कुछ दिख देनी। अब इसके बाद अब जो भी देखने वाले, वो इतना फेंका, क्या बताओ कितना फेंका है, किसी भी जीवित अमृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना हो भी तो मेरे को क्या है। वीडियो बनाने के चक्कर में अगर ग्रुप से अलग हो गया ना मैं, बस फिर हो जाना है काम। फिर बन जानी है मेरी स्टोरी टाइम। और मेरे बस ये बोलने की देर थी, और इसके बाद मेरे साथ हो गया हादसा। कौन है वहां पे? वाह क्या एक्टिंग कर रहा हूं। यहाँ पे कोई है, मैंने अभी किसी को देखा, यहाँ पे कोई था। ओह, अरे मेरे साथ वाले गए, मेरे साथ वाले भी छोड़ के चले गए। ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ पर अकेले फंस गया, और झाड़ियों में से आवाज आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, ये आवाज कहाँ से, वहां पे कुछ है। फेक प्रैंक, वो देखो इस झाड़ी में भी कोई है। ओ और तेज भागो, पेड़ के पीछे भी कोई है, अरे इंसान। जोक्स असाइड, इसके बाद हमने एक्चुअली हाइकिंग शुरू करी, द रियल हाइकिंग। 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए, और अभी तक मुश्किल से 40% रास्ता भी कवर नहीं हुआ है। सच सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है बस एक जिंदा लाश हूँ जो ऊपर चली जा रही है। उठा ले रे देवा, अरे ऊपर पहुँचा दो भाई कोई। आप लोगों को मेरी सांस के आवाज से लग रहा होगा कि शायद मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं थकता नहीं हूँ। यो ब्रो, हैव वी कवर्ड 50%? नॉट येट। देन हाउ मच वी कवर्ड? 30%। 30? या भाई खत्म, आगे नहीं जा रहा। इसके बाद का मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि साथ साथ रिकॉर्ड करना और 60 डिग्री की स्टीप चढ़ाई चढ़ना, इतनी पथरीली चढ़ाई, बहुत वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद का अब सीधा ऊपर का दिखाता हूं मैं तुम्हें, जो हम 5.5 घंटे बाद हम फाइनली टॉप पे पहुंचे। तब हर मैदान फतेह, ओ कर हर मैदान फतेह।
एंड फाइनली 5.5 घंटे की बहुत मेहनत के बाद हम वोल्केनो टॉप पहुंच गए। इस व्यू के लिए मैंने टाइम लैप्स करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छी कोशिश नहीं थी, बट इस व्यू के लिए लाइक लिटरली सिर्फ ये मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए हमने 5.5 घंटे अपनी ऐसी की तैसी करवाई। और यहां पर थोड़ा सा स्वैग दिखाते हुए ये व्यू को कैप्चर करने के लिए 360 डिग्री टर्न मारा मैंने, लेकिन सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, डेड फ्रॉम इनसाइड, लाते टूट चुकी है, हिम्मत खत्म हो चुकी है। 5 घंटे अपनी ऐसी की तैसी करवाने के बाद वहां कहीं से चल के आते हुए 60 डिग्री की ये सीधी चढ़ाई, ऐसे सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए इस व्यू के लिए, ये वो व्यू है जिसके लिए आप अपने 5 घंटे खराब करेंगे और अपनी ऐसी की तैसी करवाएंगे। लाते टूट चुकी है और बहुत दुख रही है। और ये वो व्यू है, यहाँ पे एक झील है, झील के पीछे एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो के ऊपर बादल है, पीछे से सूर्य देव दिख रहे हैं। अब आप डिसाइड करो क्या ये वर्थ इट था। मेरे लिए ये वर्थ इट नहीं था क्योंकि बहुत दर्द हो रही है पैरों में यार। लेकिन अभी काम खत्म थोड़ी ना हुआ था, ऊपर तो चढ़ा है लेकिन अभी नीचे भी तो उतरना है लाला। पतला सा है रास्ता और इधर है खाई, झुटू खतरों के खिलाड़ी, इधर है पतली सी सड़क, इधर है खाई, खतरों के खिलाड़ी। इसके बाद 3 घंटे हमें नीचे उतरने में लगे, पहले 5.5 घंटे लगा के ऊपर चढ़े थे, फिर 3 घंटे लगा के नीचे उतरे, मतलब 8-8.5 घंटे का ये ट्रैक पूरा करने के बाद आई वॉज लाइक मेरे को बस घर जाना है, ठीक है तू चुप कर जा साला, जब से ये पीछे पड़ा हुआ है तेतों तीता तीता किए जा रहा है, मेरे को घर जा लेने दो। अरे मैं मरी जाऊंगा भगवान यार। मेरी लाइफ का पहला ट्रैक था, एक्साइटिंग था, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ट्रैकिंग। लोग अपनी जिंदगी के 10 घंटे वेस्ट करके वो सनराइज देखने जाते हैं, अरे यार वो सनराइज तो मेरी घर की छत से दिख जाता है। एनीवेज अगर वीडियो पसंद आए तो मैं तो लाइक कर देना एंड अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।